पूर्वा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से जुड़ी खबर रही है। कपलिंग नहीं, ज्वाइंट टूटने से हुआ था यह ट्रेन हादसा। कानपुर से बड़ी खबर है, कल आपको हमने ये खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से पूर्वा एक्सप्रेस के 12 डिब्बे डिरेल हुए थे, कई यात्री घायल भी हुए थे। हालांकि घायलों को इलाज मिला था, लेकिन अब खबर यह है कपलिंग नहीं ज्वाइंट टूटने से हुआ था यह ट्रेन हादसा। ज्वाइंट टूटने से ट्रेन उसी जगह से हुई थी डिरेल, बड़ी खबर है ये। ज्वाइंट टूटने से ट्रेन उसी जगह से डिरेल हुई थी। 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी ट्रेन, जो पलट गई थी। 1 किलोमीटर दूर जाकर पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन पलटी थी। कपलिंग टूटने से नहीं हुआ था पूर्वा एक्सप्रेस का यह हादसा। रूमा स्टेशन पर SEJ ज्वाइंट टूटने से ट्रेन हादसा हुआ था। तो बड़ी खबर है, हावड़ा से दिल्ली जा रही थी ये पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन, जिसके बारे में कल हमने आपको ये पूरी खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से डिरेल हुई थी। 12 बोगियां, कई लोग घायल हुए थे। तो देखिए कि किस प्रकार से यह हादसा हुआ था कल, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन अब देखिए पूर्वा एक्सप्रेस दुर्घटना मामला है, जहां पर यह सामने आ रही है खबर कपलिंग टूटने से नहीं हुई थी ये। और हादसों का रविवार आज इसलिए क्योंकि कई